आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ रहा है। जो तेल, खाने का तेल जो 5 लीटर का डब्बा था, उस पर 700 रुपये प्रति डब्बा बढ़ चुका है। और ये भाव बढ़ने से हर चीज़ इफेक्ट हो रही है, गुड्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, खाने की चीज़ें भी इफेक्ट हो रही है। और जो गरीब जनता है उसको इतनी तकलीफ हो रही है। साथ साथ में जो गैस का भाव बढ़ गया है, जो पहले 360 रुपये आता था, आज वो 900 के करीब पहुँच गए। तो गरीब आदमी अपना टारगेट कैसे सेट करेगा कि हर आदमी 10,000 कमाने वाला, घर में 4 परिवार के लोग हैं, तो अपना टारगेट कैसे सेट करेगा जब उसका खर्चा ही 5 से 7 हज़ार बढ़ जाएगा। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है गरीब जनता को। 2014 से पहले ये नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसके बारे में क्या कहना है सर? उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो 2014 से 2021 तक का सफर रहा है, अब तो यहाँ से जल्दी जाओ, निकम्मी सरकार। हाँ, थोड़ी देर में अच्छा, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो ऑयल का भाव बहुत तेजी से बढ़ा। सर मैंने यही बताया है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनका शेयर मार्केट में भाव देखो, 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़ तक का मुनाफा कर रही है। जो खाने का तेल 5 लीटर का जो डिब्बा आता है, उसमें 700 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इससे ज़्यादा गरीब जनता को और कितनी मार मारेंगे ये? नोटबंदी में कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोग रोड पर आ गए, कितने लोग बेकार हो गए, कितने लोग तो लाइन में खड़े हो गए अपना ही पैसा लेने के लिए, कितने लोगों को पैसा नहीं मिला। इस तरह से एक एक चीज़ आती गई, उस तरह से GST के बाद में सारे व्यापारी रोते रह गए। कई व्यापारी, जो छोटे व्यापारी जो घर घर करने वाले थे, वो डिजिटल इंडिया के चक्कर में आज रोड पर आ गए। और उसके बाद में अभी ये महंगाई कर दी है, ये मेरे ख्याल से पूरे गरीबों का सफाया करने के लिए निकम्मी सरकार आई है। आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो भाव है कम नहीं हो रहा, तो अगर नहीं होता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे की हमारी ऐसी रणनीति है, हमारे जो मुंबई कांग्रेस और हमारे जो असलम भाई के नेतृत्व में हमारे पूरे मुंबई के अंदर हर ब्लॉक के अध्यक्ष हर अपने चौराहे पर, हर अपने एरिया में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये जैसा जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है, तो लोगों में जागरूकता फैलाने का हमारा ये काम चल रहा है। और अच्छे से जागरूकता फैलाएंगे और इस सरकार को नीचे लाने के लिए हम कुछ ना कुछ इसके अंदर ठोस जो एप्लीकेशन दे रहा है वो हमारे वरिष्ठ करेंगे। और आगे उनका जैसे ही, आज तो हमको सिर्फ उन्होंने मोर्चा लेने बोला था, आगे जब चक्का जाम करने बोलेंगे हम तो रोड पे बैठ के चक्का भी जाम करेंगे। हम जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 33 के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? आज पूरे देश में महंगाई का माहौल चल रहा हुआ है, ये जो निकम्मी सरकार है ये उसका सुनने को तैयार नहीं। आज दिल्ली में करीबन साल पूरा हो जाएगा, एक दो महीने में, जो पूरे देश का जो किसान, देश का अन्नदाता धरने पे बैठा हुआ है, उसकी सुन नहीं रही है। ये सूट बूट वाली सरकार है, ये अंग्रेज राज करना चाहती है, तो इनको भगाने का काम एक कांग्रेस सरकार करेगी। आज जो हम लोग जो एक मोर्चा लिए, मोर्चा में बोले थे, एक आम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे। मोर्चा किसको बोला जाता है? एक कोरोना का महामारी है करके मोर्चा नहीं लिया जाता है। तो हम लोग खुद पहला, आप देखो आए तो एक 10-15 जन थे, तो जनता को आज भूख है, आज जरूरत है, तो ऑटोमेटिक जनता हमारे साथ जुड़ती गई है। और हम आज भयंकर 10 से हम लोग 500 हो गए, तो पब्लिक को भी पता है कि कहीं ना कहीं सरकार निकम्मी है। बहुत अच्छी बात की है कि जागरूकता के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना है इसलिए जनता भी मतलब रोड पर नहीं आ रही है, तो उनको भी आना चाहिए। अगर ये भाव कम नहीं होता है तो आगे आपकी क्या रणनीति है? खुश नसीबी मोदी सरकार की है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। अगर हम लोग आज कोरोना का महामारी नहीं होता, तो ये जो चलती गाड़ी आपको चलती नहीं दिखाती, खड़ी दिखती थी। हम लोग धरना आंदोलन करेंगे, और अगर कोरोना नहीं होता तो धरना आंदोलन एक गाड़ियां से जाने नहीं देंगे। उसके लिए हमको सजा काटनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, तो भी हम जाएंगे, लेकिन हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो यही मोदी सरकार चाहती है कि कोरोना न जावे, इसके लिए जो हमारा हिस्से का जो वैक्सीन है तो बाहर देश में बेचने का काम करते हैं। आज हम लोग, हमारे गरीब जनता वैक्सीन लेने के लिए सुबह 4 बजे उठ के चली जाती है, उसको वैक्सीन नहीं मिलता, फिर हमारी वैक्सीन कहाँ है? ये मोदी सरकार निकम्मी सरकार हमारी वैक्सीन भी बेचने का काम कर रही है। ये यहाँ ये बीमारी वो भगाना नहीं चाहती, ये बीमारी यहाँ पड़ी रहे ताकि हम भी यहाँ सूट बूट सरकार चलती रहेंगे। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, बाद में पेट्रोल और डीजल का। मेरा नाम मुरुगन पिल्ले है, मैं मराठ विधानसभा से हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ मैं। और पूरे मुंबई कांग्रेस की तरफ से हमारे जो मुंबई अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित भाई जगदाप जी के आदेश से, और हमारे मालाड असेंबली के आमदार
और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों के हित के लिए, लोगों की जो आज जो महंगाई बढ़ी है, ये सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ी है उस वजह से नहीं है। पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ते हैं, उसकी वजह से जो भी घर के जो चीज़ लगते हैं, हमारी सब्जी है, चाय है, दूध है, जो भी है, जो भी सब्जी राशन, हर चीज़ का भाव बढ़ता है। हर चीज़ के भाव बढ़ने से जो आम जनता है, जो रोज़गार मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। और अपने जो उनकी जो एक एक घर क्या है, सबसे जो इकोनॉमिक जो खराब होने का कारण ये रहता है कि पेट्रोल और डीजल ये बढ़ने से क्या होता है, अगर इसका भाव बढ़ेगा तो चाहे भाई राशन हो और कोई फूड अपना फूड या आंदोलन करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कि हम पूरे, ये आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोर्चा नहीं है, आम जनता और हिंदुस्तान के लोगों के लिए आज हम लोगों ने ये धरना लिया है। इसलिए पूरे जनता से मेरी आह्वान है कि आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बस करो मोदी सरकार, बहुत देख लिया हमने अच्छे दिन, फिर से लौटा तो हमारे दिन, उसी में हम लोग खुश थे, ये दिन हमें नहीं चाहिए। और चुनाव के समय में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन देंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दिए नहीं, लोगों से कहा जीत के आने के बाद घर बैठे गिनो लॉकडाउन के दिन, घर बैठे गिनो लॉकडाउन के दिन, हम बैठेंगे दिल्ली में और आप बैठो गली में और घर से बाहर मत निकलना, बस हमें जीने दो और हमें पूरे विदेश में घूमने दो और आप लोग हो जाओ परेशान। अच्छी बात है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अच्छे दिन आए ना, नितिन गडकरी जी ने खुद सारी मीडिया के सामने अच्छे दिन आए हैं। नितिन गडकरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने मीडिया में सबके सामने कहा था अच्छे दिन आए, बट देश की जनता की नहीं, हमारे